स्वान टूर्स की जानिब से हम आपको कोहे नबू पर खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारा ग्रुप कोहे नबू पर पहुंचा है। हम लोग 27 लोग हैं जो पाकिस्तान से 27 लोग हैं जो इन ज्यारतों के लिए आए हैं, और इस वक्त हम कोहे नबू पर खड़े हैं। कोहे नबू या अबारियम की पहाड़ियाँ, वो पहाड़ियाँ हैं, वो पहाड़ है यहाँ पर मूसा की वफात, जब वो बनी इसराइल के साथ यहाँ से ट्रैवल कर रहे थे यहाँ पर पहुँचे, तो इस पहाड़ पर उनकी वफात हुई। आज तक किसी को नहीं पता कि उनकी कब्र कहां पर है, क्योंकि कहते हैं कि फरिश्ते उनकी लाश को लेके चले गए और उन्होंने उसे दफन किया। तो इस पहाड़ पर सबसे अहम वाकया मूसा की वफात हुई। दूसरा अहम वाकया, खुदा ने मूसा को कहा कि तू देख ले, ये सारी सरजमीन देख ले जो मैं तेरी उम्मत को दूंगा, जो मैं बनी इसराइल को दूंगा, लेकिन तू उसके अंदर नहीं जाएगा। यहाँ से यशवा पूरी कौम को आगे लेके जाएगा। तो इस जगह पर दूसरा अहम तरीन वाक्या ये हुआ कि खुदा ने मूसा के हवाले से, मूसा के जरिए यशवा को अपना जानशीन ठहराया। तो फिर यशवा ने पूरी उम्मत को लीड किया और वो सबसे पहले बनी इसराइल में यरूको को फतह करके बनी इसराइल या इसराइल के या कनान के मुल्क में दाखिल हुआ। तीसरा अहम तरीन वाक्या इस पहाड़ी पर जो हुआ कि नीचे मैदान में सारा बनी इसराइल था, इसराइल के यहाँ पर उनके खेमे लगे हुए थे। तो जितनी भी शरीयत खुदा ने मूसा को दी थी, वक्तन फक्तन रस्ते में वो अहकाम दे रहा था, अपने आइन दे रहा था, यहाँ पर उसने फिर वो सारी रिपीट की, सारी कौम के सामने वो पढ़ी और पढ़कर अपनी पूरी कौम को सुनाई कि ये मेरी शरीयत है, ये मेरे आइन है जिसको तूने मानना है, जिसको तूने नस्ल दर नस्ल मानना है। और बार बार खुदा ने उनको हदायत की कि ये आइन तेरे मुंह से ना हटे, तूने अपने बच्चों को ये आइन सिखाना है, बल्कि साल में एक मरतबा पूरी शरीयत अब दोहरानी है। तो आज तक बनी इसराइल हासिल कर रहे हैं, इसराइल के लोग ऐसे करते हैं कि उस शरीयत को अपने बच्चों को सिखाते हैं और साल में एक मरतबा ईद फसा पर वो सारी शरीयत को दोहराते हैं, सारी शरीयत को रात को पढ़ते हैं ताकि लोग या उनके बच्चों से वो खुदा के अहकाम उनके मुंह से पूर्ण ना हो। आप देख सकते हैं इस वक्त हम कोहे नबू पर हैं। कोहे नबू वो पहाड़ी जहाँ पर खुदावन ने यशवा को जानशीन बनाया, मूसा की वफात हुई और शरीयत की किताब दोहराई गई। मेरी ख्वाहिश है, बल्कि इल्तमास है आपसे कि ज़िंदगी में आप भी एक मरतबा ये मुकद्दस मकाम देखने के लिए ज़रूर आएँ, ज़रूर यहाँ पर आएँ और बरकत पाएँ, ज़रूर सीखें कि बाइबल मुकद्दस में जो कुछ लिखा गया है वो बिल्कुल सही है और उसके मकाम बिल्कुल सही हैं। ना सिर्फ आप बाइबल मुकद्दस को समझेंगे बल्कि आप खुद को बाइबल मुकद्दस के अंदर चलता फिरता पाएंगे। तो ज़िंदगी में एक मरतबा अगर खुदावन ने आपको इस्तेदाद दी है, आपको हिम्मत दी है, ताकत दी है, तो ज़रूर इन मुकद्दस मकाम की ज़ियारत करें। शुक्रिया।
अगर आप भी इन मुकद्दस मकामात की ज़ियारत करना चाहते हैं या मज़ीद मालूमात चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर राब्ता करें। मज़ीद मालूमात और अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट www.swantours.pk को विज़िट करें।